जय हिंद मेरे सभी प्यार दोस्तों, सिंह मैथमेटिक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, फिजिक्स की कल मैंने आप लोगों के लिए पहली क्लास लेकर आया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट भारत के बड़े बड़े शहरों में नहीं आ सकता, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे इंदौर हो, चाहे भारत के किसी भी बड़े शहर की बात करें, हम जयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, भोपाल की बात करें, अगर वो नहीं आ सकते तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उनकी सफलता में एक सहयोग करना चाहते हैं। केवल अगर वो हमें अपनी सफलता में एक सहयोग के रूप में देखे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। फ्रेंड्स, तो देखिए, कल हम लगभग, मैं आप लोगों को साइंस के 30 क्वेश्चन करवा चुका था, आज हम उन्हीं 30 क्वेश्चन से 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। गुड इवनिंग रोयल जी, जल्दी से जल्दी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से क्वेश्चनों को शुरू करने वाला हूँ। एक बार दोस्तों जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका आंसर चिपका दीजिए जल्दी से सभी। गुड इवनिंग वर्षा जी, गुड इवनिंग। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी सभी चिपका दीजिए। वेरी गुड, क्वेश्चन ने हमसे पूछा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्ध्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की। देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। एक बार बेहतरीन तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए सभी। बहुत बढ़िया, लगभग सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, रॉयल जी बोल रहे हैं प्रेम से बोलो राधे राधे, बहुत बढ़िया, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट सबसे पहले एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए। तो देखिए, अब मैं बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूं इस पहले क्वेश्चन से, इस पहले क्वेश्चन को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये सभी के लिए काफी सिंपल क्वेश्चन होगा, मैं नहीं मानता ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो एंगस्ट्रम है, ये वेवलेंथ, बोले तो बाबू तरंग दैर्ध्य की इकाई है, किसकी है? ये तरंग दैर्ध्य की है। देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सभी का राइट हुआ होगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, देखिए ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं, ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं बाबू, इनको जरूर याद किया करें, जरूर नोट डाउन किया करें। अगर हम बात करें एक एंगस्ट्रम, अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये कितना होता है, ये होता है 10^-10 मीटर। ये कई बार वो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखिए, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? पहली बार इस क्वेश्चन को मैंने पता है कहां पे देखा था, ये क्वेश्चन है साइंस का, लेकिन पहली बार जब मैं 10th के बोर्ड में था, जब मैं एमपी बोर्ड, जब मैंने 10वीं का पेपर दिया था, तब ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा था। और ये साइंस का क्वेश्चन हिंदी में पूछा था उसने, साइंस का क्वेश्चन हिंदी में पूछा था। उस समय सारे स्कूल में से मात्र हम 2 लोगों के क्वेश्चन के आंसर सही हुए थे, एक मेरा हुआ था और एक मेरे साथी का, हम दोनों के सही हुए थे, पूरे स्कूल के क्वेश्चन गलत हुआ था। ही बताइए इसका आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
देखिए अगर हम बात करें ये जो हॉर्स पावर है ये किसका है, कितने वॉट होते हैं, ये तो देखिए सभी को पता है। अगर मैं एक हॉर्स पावर की बात करूं, एक हॉर्स पावर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितना आएगा, 746 वाट। कितना आएगा, 746 वाट। और ये वाट मैंने कल भी आपको बताया था, ये शक्ति का मात्रक है। ये किसका है, ये शक्ति, शक्ति को ही आप क्या बोल देते हैं, कई बार पावर को ही सामर्थ्य बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बाबू, सामर्थ्य बोल देते हैं। और हमसे अगर पूछ लिया जाए शक्ति या सामर्थ्य का ही एक मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। ये भी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, कई बार आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, कई बार एग्जाम में आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या आ गया, सी। अगला क्वेश्चन, एक और शानदार क्वेश्चन दीजिए इसका आंसर। एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है, लगाइए जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर, देखते हैं कितने राइट आंसर कर पाते हैं। शिवानी जी बोल रही है सर सहारा स्कूल से पढ़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं काला पीपल के ही सहारा स्कूल से पढ़ा हूँ और उसी स्कूल का मैं टॉपर रहा हूँ, है ना, उसी स्कूल के हम टॉपर हैं। बताइए उच्च वेग, तरंग देर, दाब, ऊर्जा। देखिए मैं नहीं समझता ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था दाब के मात्रक की बात करें तो दाब का क्या होता है, पास्कल। अगर मैं तीसरे पे जाऊं तो तीसरे का सी, मैं ये दोनों तो काट दूंगा बिल्कुल। अब मेरे पास पहला और तीसरा है, अगर मैं बात करूं ऊर्जा का मात्रक, ये जूल होता है, ये सभी को पता है। एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो देखिए यहां पर भी मिल रहा है मुझे, यहां पर भी मिल रहा है। अभी मैंने आप लोगों को बताया तरंग देर का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, जस्ट अभी मैंने आप लोगों को करवाया। और उच्च वेग का मात्रक क्या होता है, मेक होता है। तो पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमारा जो राइट आंसर इसमें निकल रहा है ये सी वाला निकल रहा है। बताइए क्या सभी का राइट आंसर हुआ है, क्या सभी का सही हुआ है आंसर, वेरी गुड। वर्षा जी का है, शिवानी जी का है, रोयल जी का है, मोनिका मीना जी भी जुड़ चुकी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक और प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन सभी अच्छे होते हैं, किसकी बात चल रही है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। देखिए क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी का पूछा है 2015 में, ये छत्तीसगढ़ पीएससी का क्वेश्चन है, चिपका दीजिए इसका आंसर। उम्मीद करता हूं सभी इसका राइट आंसर देने वाले हैं। देखिए तो देखिए जूल किसका मात्रक है, ये ऊर्जा का, तो पास्कल किसका है, ये दाब का, प्रेशर का, किसका जाएगा बाबू, बी राइट आंसर। ये हमारे सभी हम काट देंगे, बिल्कुल हम काट देंगे, ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, सब काट देंगे। हम किस पर जाएंगे, हम बी पर जाएंगे, वेरी गुड। वर्षा जी का रहा है, शिवानी जी का, रोयल जी का रहा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, एक माइक्रोन बराबर है, बताइए एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है बताइए, एक माइक्रोन बराबर होता है, कल भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता के गया था एक माइक्रोन बराबर कितना होता है। फ्रेंड्स देखिए एक बार बेहतरीन तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए, एक बार बेहतरीन तरीके से क्लास को शेयर भी करते रहिएगा। अच्छा देखिए कई लोगों का ए आंसर आ रहा है, कई लोगों का ए आंसर आ रहा है, देखते हैं कितनों का सही होता है। अच्छा देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है बाबू, एक माइक्रोन बराबर अगर ये हमसे मीटर में पूछता, क्योंकि देखिए सब कुछ दिया किसमें, उसने मिलीमीटर में दे रखा है,
सारी की सारी चीजें उसने किसमें दे रखी, मिलीमीटर में। लेकिन एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है 10^-6 मीटर। ये किसमें होता है, मीटर में होता है। अगर मैं इसी एक माइक्रोन को, यदि मैं इस एक माइक्रोन को किसमें बदल दूं, मैं इसे मीटर से मिलीमीटर में बदल दूं, तो ये आप सभी को पता है कि मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैं 1000 ना लिखते हुए 10^3 लिख दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मिलीमीटर लिख दूंगा, मिलीमीटर मैंने लिख दिया। अब देखिए ये जो ऊपर माइनस का है, अगर हम इसे नीचे लिखेंगे, बटे में लिखेंगे, तो कितना जाएगा, 1/10^6, और ऊपर कितना है, 10^3। क्या मैं 10^3 से 10^6 बोले तो काट दूंगा, तो कितना बचेगा, 10^3, और इसे मैं क्या लिख दूंगा, 1/ ये देखिए 1000 मिलीमीटर, मिलीमीटर। क्या बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, फिजिक्स में मैथ्स का सवाल। क्या मैं तीसरा राइट आंसर लगा सकता हूँ, अगर मैं लगा सकता हूँ तो कमेंट्स में बता दीजिए कि सर समझ में आ गई चीज, अगर मैं लगा सकता हूँ तो जल्दी से बता दीजिए चीजें समझ में आ गई। सचिन जी, हाय सर, जय हिंद, वेरी गुड। दिव्या मालवी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत बढ़िया। तो देखिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सभी राइट आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए फिजिक्स में मैथ का बड़ा रोल रहता है। अगला क्वेश्चन, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। अब बताइए एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, इसका आंसर बताइए। देखिए इसी क्वेश्चन को उसने फिर घुमा दिया, इसी क्वेश्चन को उसने फिर घुमा दिया। अगर देखिए जिसको थोड़ा सा भी मैथ से आता होगा उनके लिए क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन फिजिक्स से उससे डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि पहले वैल्यू पता होना चाहिए फिर बाद में सिंपल है, पहले वैल्यू पता होना चाहिए फिर बाद में पता होना चाहिए आंसर। देखिए फिर अभी मैंने आपको बताया एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10^-6 मीटर। अब इसमें देखिए ये बाबू उसने किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर मिलीमीटर। तो देखिए ये मीटर वाला मैंने काट दिया, ये मुझे पता ही नहीं, अभी मैं मिलीमीटर में निकाल चुका हूं, ये आएगा नहीं। अब मेरे पास ए आएगा या मेरे पास बी आएगा, अब दोनों सेंटीमीटर में है, तो अगर मैं इसे सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो मुझे 10^2 से गुणा करना पड़ेगा, और ये किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। अगर मैंने इसको करा, आपको पता है आधार समान होने पर घाटे जुड़ती है, तो देखिए मैंने यहां से करा तो कितना आ गया, 10^4 सेंटीमीटर। बताइए कौन से आंसर पे जाओगे सभी, किस आंसर पे जाएंगे सभी। शिवानी जी का राइट आंसर आ रहा है बी, सीता जी का आ रहा था वेरी गुड, वर्षा जी का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए गलती भी होगी लेकिन सुधार भी होगा, गलती भी होगी और सुधार भी होगा, और माहौल भी बनेगा और मजा भी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और शानदार क्वेश्चन। देखिए सबसे बड़ी बात इन क्वेश्चनों से आप लोगों को यह सीखने को मिलेगा कि क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके के पूछता है। सबसे बड़ी बात देखिए, हर एक एग्जाम का नाम लिखा है, कहां पर आया है, कब आया है, किस एग्जाम में आया है, हर एक चीज डाटा यहाँ पे। सबसे बड़ी खूबसूरत यही है, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है, ये देखो सुलेमित नहीं है पूछ रहा है। हमेशा एग्जाम में बैठने से पहले और एग्जाम को पढ़ने से पहले पहले क्वेश्चन ठीक से रीड किया करें, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन ठीक से रीड नहीं करते। गब्बर जी, राधे राधे गब्बर जी, देखिए साइंस के भी क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को, तो समझेगा इन क्वेश्चनों की वैल्यू। देखिए अगर हम बात करें, सभी ने आंसर लगा दिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं सभी ने पढ़ लिए होंगे। डेसिबल की मैं बात करूं तो बाबू डेसिबल क्या ध्वनि को मापते हैं, क्या साउंड को डेसिबल में मापते हैं, बिल्कुल सही, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अश्व शक्ति, अभी मैंने बताया हॉर्स पावर ये पावर का है, बिल्कुल ये भी सही है, इसे भी हम गलत नहीं बोलेंगे। समुद्री मील, कल मैं आप लोगों को समुद्री मील के बारे में बताकर गया था, नौ संचालन में दूरी की इकाई,
सेल्सियस की बात करें तो ये किसकी बाबू, ये उष्मा की कब से होने लगी, उष्मा को बोला जाता हीट, और सेल्सियस किसकी है, टेम्परेचर बोले तो ताप की, ये किसकी इकाई है, ताप की इकाई। तो बाबू हमारा जो राइट आंसर क्या आएगा, डी। हम किस पे जाएंगे, हम डी पर जाएंगे, क्योंकि इसका जो राइट आंसर डी आएगा। उष्मा की इकाई अगर आप लोगों से पूछ लेता तो कल ही मैं आप लोगों को खूब पढ़ा के गया था, बार बार बता कर गया था, कैलोरी। क्या आएगी, कैलोरी। क्या यहां तक की चीजें समझ में आई, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़िया करें वरना क्वेश्चन निकल जाएंगे, पीछे रह जाओगे सभी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है, देखिए वो हीट की पूछ रहा है, आखिर कौन सी हीट की इकाई नहीं है, कैलोरी अभी मैंने बताया है, किलो कैलोरी बताना आप लोगों को, किलो जूल वॉट, एम पी पी एस सी लाखों दिलों की धड़कन, कई युवाओं की चहती, एम पी पी एस सी बताइए, इसका आंसर चिपका दीजिए जल्दी से जल्दी, देखते हैं कितने इसका राइट आंसर कर पाते हैं। देखिए कैलोरी की बात करूं तो ये किसकी है, उष्मा की है, किलो कैलोरी की बात करूं तो उष्मा की है, किलो जूल की बात करूं तो उष्मा की है, वाट ये किसकी है बाबू, ये है शक्ति की, ये किसकी है, शक्ति की इकाई, वाट किसकी है, पावर की, पावर की है पावर, और हीट की हमसे पूछ रहा है, तो हमने आंसर निकाल दिया आसानी से, बिल्कुल। बिंदास इंडिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाट देखिए बहुत बढ़िया, गब्बर जी चाय पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल मजा आ जाएगा गब्बर जी, ऐसे ठंडे ठंडे माहौल में गरम गरम कुछ चीजें मिल जाएगी ना तो बिल्कुल शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए ये देखिए, इससे सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इतिहास में कोई आपसे पूछेगा, इससे सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई दूसरा होगा, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य बाबू बताइए, एग्जामिनर ने पूछा है, एग्जामिनर ये देख रहा है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं कि मजाक में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं एग्जाम को, वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 किलोमीटर का तात्पर्य है। देखिए ये बीपीएससी पूछ रहा है, देखिए वेरी गुड, ये देखिए अभी भी कई लोगों के गलत उत्तर आ रहे हैं, मैं पीट पीट कर मारूंगा सबको, मैं ना कैमरे से बाहर आकर ना सबको ठोक दूंगा। एक बात बताइए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर आते हैं बाबू, 1 किलोमीटर में, ये देखिए मेरे घर में मेरा भैया है छोटा सा, मेरे भाई साहब का लड़का है बिल्कुल छोटा सा, अभी 4-5 साल का, उससे पूछूंगा वो भी बता देगा, अगर मैं उससे पूछूंगा तो वो भी बता देगा, बताइए जल्दी से जल्दी क्या आंसर आएगा, देखते हैं कितने इसका राइट आंसर कर पाते हैं। क्या आएगा, 1 किलोमीटर में कितने, अभी भी मैंने उत्तर नहीं दिया सर मजा ले रहा है, ये बाबू मीटर आएगा, ये देखिए अभी भी कई महान हस्तियां, कोई सेंटीमीटर लगा रहा है तो कोई क्या लगा रहा है, ठीक जाओ अभी भी टाइम है, बखत रहते, ये तो कब बखत निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए याद रखिएगा, ये अगर ये पूछ ले जाए ये किलोमीटर किसका है तो दूरी का मात्रक है, और सिंपल क्वेश्चन बता दो तुम्हें, इससे और क्या ज्यादा चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है थोड़ा लेवल का क्वेश्चन, ये है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं इसमें कितने फंसते हैं। एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम की बात चल रहा है, बताइए एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है। दिव्या जी बोल रही है सर मेरा तो फोन हैंग हो रहा है, शिवानी जी, सीता सोलंकी जी बहुत बढ़िया, बताइए अब एक पिकोग्राम की बात है, एक पिकोग्राम की बात है, देखिए यहां से मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूं, अगर मुझसे पूछा जाता 1 मिलीग्राम, अगर मुझसे 1 मिलीग्राम पूछा जाता तब मेरा राइट आंसर क्या होता, तब मेरा राइट आंसर होता 10^-3 ग्राम, ये मेरा राइट आंसर होता। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता
एक माइक्रोग्राम, यदि मुझसे पूछा जाता एक माइक्रोग्राम, तब मेरा आंसर होता 10^6, यदि कि माइनस में आ रहा है ग्राम। अगर मुझसे पूछा जाता एक नैनोग्राम, क्या पूछा था बाबू मुझसे, एक नैनोग्राम, तब मेरा राइट आंसर क्या होता 10^-9 ग्राम। क्या यहाँ तक की चीजें सभी को समझ में आ रही? सर पूछा क्या है बता क्या रहे हो, ये भी याद करो, ये भी पूछा जाएगा। अब देखिए, अगर मुझसे क्या पूछ लेता एक पिकोग्राम, तो वही तो पूछा है। अगर मैं बात करूं एक पिकोग्राम, तो एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है 10^-12 ग्राम। क्या होता है 10^-12 ग्राम। अगर मुझसे पूछ लेता एक पेक्टोग्राम, एक पेंटोग्राम, तब मेरा राइट आंसर क्या होता 10^-15 ग्राम। बिल्कुल नोट कर लीजिए, स्टाइल लगा लगा कर नोट पॉइंट कर लीजिए। अगर एक मिलीग्राम पूछता, यदि एक माइक्रोग्राम पूछता, यदि एक नैनोग्राम पूछता, एक पिकोग्राम तो पूछ चुका है, यदि एक फेंटोग्राम, तो देखिए एक पिकोग्राम बराबर क्या गया, ये देखिए 3-3 का डिफरेंस आ रहा है सब में, देखिए सब में 3-3 का, तो मेरा जो राइट आंसर आएगा ये सी वाला आएगा। मेरा जो राइट आंसर, मैं सी के साथ जाना चाहूंगा, मैं सी के साथ जाना चाहूंगा। देखिए ये सारी की सारी यूनिट्स किस में होती है, मेजर करने में होती है इन्हें, है ना। जैसे देखिए आप बोलते हो कि यार बिल्कुल नैनो, नैनो मतलब बिल्कुल छोटा, तो जो छोटा होता है सूक्ष्म होता है उसे क्या बोला जाता है नैनो। तो ये कुछ मापने की इकाइयां हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये देखिए, फिर से पास्कल का पूछ लिया उसने, फिर से ये सभी आप लोग आंसर लगा दोगे पास्कल के लिए। पास्कल इकाई है, बताइए पास्कल किसकी यूनिट है, पास्कल किसकी यूनिट है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। कितने राइट आंसर कर पाते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए सभी को पता है, इतनी बार बता चुका हूं, ये किसका है, ये प्रेशर का है, ये किसका है, ये दाब का है, जिसे प्रेशर बोला जाता है। यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता एक पास्कल बराबर कितना होता है, एक पास्कल बराबर कितना होता है, तो एक पास्कल बराबर नोट कर लीजिए जल्दी से, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो याद रखिएगा पास्कल का ही हम दूसरा जो मान क्या बता सकते हैं, इसे हम किस में लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर में, किस में लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर में। अगर एक क्वेश्चन और यदि हमसे यहां से पूछ लिया जाए, पास्कल कैसी राशि है, यहां आप लोगों से दाब का कई बार पूछ लिया जाता है, ये जो प्रेशर है ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो बाबू ये स्केलर है, ये बोले तो किसे क्या बोला जाएगा, अदिश राशि, ये कैसी है, अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं, जिन राशि को बताने के लिए हमें दिशा डायरेक्शन की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, सदिश, जिसमें हमें पता रहता है, और जिसमें हमें नहीं पता रहता है उसे हम अदिश बोल देते हैं। फ्रेंड्स देखिए एक बार क्लास को भी शेयर करते रहिए, इतनी शानदार क्लास चल रही है, अभी आप लोगों को और भी मजा आने वाला है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये देखिए उसने वही क्वेश्चन हमसे फिर पूछ लिया, देखिए ये क्वेश्चन कई लोगों को सिंपल लगेगा, लेकिन जो पहली बार करेंगे, दाब की इकाई क्या है बाबू, दाब की इकाई क्या है, अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि दाब की इकाई पास्कल होती है, लेकिन अब देखिए इसमें दाब की इकाई क्या है, इसका उत्तर दीजिए, प्रेशर की यूनिट्स क्या है, बताइए प्रेशर की यूनिट्स क्या है, देखते हैं कितने राइट आंसर कर पाते हैं। बिंदास इंडिया जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए अब यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए हलवा हो गया, अब यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिंपल हो गया, अगर ये मैं आप लोगों को पहले नहीं बताता तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट भी हो सकता था,
ये क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो सकता था। तो यहां तक की सारी चीजें समझ में आ रही है सभी को? देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेस बता देता हूं जो कई बार एग्जाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं। यदि मैं आप लोगों से पूछूं, जल्दी से जल्दी आंसर करते रहना, अगर मैं आप लोगों से पूछूं जो एक्सेलेरेशन होता है त्वरण, बताइए इसका जो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, बताइए इसका क्या होता है। कल मैं आप लोगों को बता कर गया था, कल मैं आप लोगों को बता कर गया था, देखिए कल मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता कर गया था, वेग परिवर्तन अगर हम किसका डिवाइड कर दें, इसमें हम समय का डिवाइड कर दें इसमें हम, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा एक्सीलेशन बोले तो त्वरण निकल जाएगा। वेग परिवर्तन का मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता कर गया था, क्या आएगा मीटर और समय का आ जाएगा सेकंड, समय का क्या जाएगा सेकंड, और एक ये समय है इसमें हम एक और समय का गुणा कर देंगे तो देखिए दो हो गए, तो हमारा जो राइट आंसर इसका क्या निकल जाएगा बहुत बढ़िया, क्या निकल जाएगा मीटर बटे में क्या जाएगा सेकंड स्क्वायर, या इसे ही मैं क्या लिख सकता हूं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये देखिए बोलने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसे ही मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं मीटर सेकंड। अब इसे मैं ऊपर में माइनस में टू कर दूंगा, इसी चीज को देखिए मैं तीन तरीके से लिख सकता हूं, मैं भी लिख सकता हूं आप भी लिख सकते हो। तो देखिए इसका ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, इसका ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। अगला अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं आप लोगों से, तो मैं बल का फॉर्मूला आप लोगों से अगर पूछूं, बताइए कितने लोग मुझे इसका आंसर निकाल के देंगे, आखिर कितने लोग मुझे इसका व्युत्पन्न मात्रक निकाल कर देंगे, बताइए जल्दी से जल्दी, देखते हैं हम कितने देते। सभी को पता है बल का जो यूनिट्स होती है न्यूटन होती है, ये आप सभी को पता है, लेकिन मैं अगर आप लोगों से इसका व्युत्पन्न मात्रक पूछूं तो देखते हैं कितने निकाल पाते हैं। जल्दी से बताइए बल का क्या होगा, देखिए जब भी आप जो मास होता है जो आपका द्रव्यमान होता है इसमें आप एक्सेलरेशन अगर त्वरण का गुणा कर देते हैं तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन जाता है, ये आपका बल का फॉर्मूला बन जाता है। जब भी आप त्वरण में द्रव्यमान का गुणा कर देते हैं, अगर आपके पास मास है और त्वरण है तो आपको पता है द्रव्यमान में की यूनिट्स क्या आती है, किलोग्राम आती है, क्या आती है किलोग्राम आती है। दूसरा अभी मैं आप लोगों को त्वरण की निकाल चुका हूं, त्वरण की क्या है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये देखिए तो मैं यहां पे लिख सकता हूं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसी को ही लिखना चाहूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए कितने अच्छे तरीके से फॉर्मूले आप लोगों को एक एक निकाल निकाल के बता रहा हूं, ये देखिए तो ये हमारा ये बल का आ जाएगा, क्या ये बल का आ जाएगा, क्या ये समझ में आया ये फॉर्मूला मैंने कैसे निकाला। यदि फॉर्मूला समझ में आया कि मैंने कैसे निकाला तो जल्दी से ये कमेंट्स में बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया, क्या मैंने ये फॉर्मूला, देखिए मैंने द्रव्यमान और त्वरण में उनका एसआई मात्रा यूनिट्स रख दिया और एक नया फॉर्मूला जनरेट कर दिया। जल्दी से जल्दी कमेंट्स में बता दीजिए अगर समझ में आ गया हो तो, जल्दी से कमेंट्स में बताइए अगर समझ में आया हो तो, मैं एक और नया फॉर्मूला निकाल के बताने वाला हूं आप लोगों को। देखिए बहुत बढ़िया, सभी की कमेंट्स आ रही है डन समझ गए सर बहुत बढ़िया। अगला देखिए यदि मैं बात करूं कार्य की, अगला जो मैं निकालूंगा कार्य का, कार्य की अगर मैं बात करूं तो कार्य का क्या होता है वर्ग का, आप जितना बल लगा रहे हैं और उस बल के लिए आप जितना विस्थापन कर रहे हैं ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कार्य का।
देखिए, यदि आप लोगों से कार्य का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए वर्क बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, मतलब जितना आप फोर्स लगा रहे हो और जितना आप विस्थापन कर रहे हो। अब देखिए, अभी मैं आप लोगों के लिए बल का निकाल चुका हूं, बल का क्या रखूंगा मैं, किलोग्राम इंटू मीटर बटे में क्या रख दूंगा, सेकेंड स्क्वायर। अब विस्थापन के लिए मैं क्या रख दूंगा, विस्थापन के लिए मैं क्या रख दूंगा, विस्थापन भी किस में आएगा, मीटर में। तो क्या मैं ये आसानी से यहां पर भी निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं मैं आसानी से? बहुत बढ़िया। तो देखिए, अगर डायरेक्ट आपसे वर्ग का पूछ लिया जाए तो आप सभी को पता है डायरेक्ट वर्ग का क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। और ये जो सारा का सारा मैंने लिखा है, ये जितना भी मैंने, ये जितनी भी चीज मैंने लिखी है, इस सारी की सारी चीज ये किसका है, ये बल का है। और इसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं न्यूटन लिख सकता हूं, न्यूटन। ऊपर से मैं मीटर लिया है, तो क्या मैं एक नया फॉर्मूला और निकाल सकता हूं, ये देखिए, क्या मैं एक नया फॉर्मूला और निकाल सकता हूं? यदि आप लोगों से मैं डायरेक्ट बोलूं कि बल का मात्रक ये होगा, तो क्या इसमें किसी को डाउट आएगा? यदि मैं आप लोगों से डायरेक्ट पूछूं कि बल का न्यूटन इंटू मीटर आप कर सकते हो, तो क्या गलत है क्या ये बात? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, मैंने इसको किस में लिख दिया, मैंने न्यूटन में लिख दिया, मैंने न्यूटन साहब लिख दिए यहां पर। देखिए, अगर इसी तरीके से मैं अगला एक और निकाल के दिखाऊं आप लोगों को, तो देखिए आप लोगों को फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, आप सभी निकाल लोगे। अगर मैं आप लोगों से शक्ति की बात करूं, पावर की बात करूं, बताइए जल्दी से मुझे कितने निकाल कर बताएंगे पावर का, पावर का निकाल के बताइए। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसका क्या होता है, कार, कार में आप किसका भाग देते हो, समय का। यदि आप जो भी वर्क कर रहे हो किस समय में कर रहे हो, वो आपका पावर निकल जाएगा। बताइए जल्दी से। देखिए, यहां से दो से तीन चीज बहुत अच्छे से याद रखिए। एक तो आप लोगों को सभी को पता है शक्ति का एक मात्रक क्या होता है, शक्ति का एक मात्रक होता है वाट, क्या होता है, वाट। और अभी मैंने आप लोगों से कार्य का निकला चुका हूं, कार्य का मैं क्या रख सकता हूं, देखिए कार्य का मैं क्या रख सकता हूं, जूल रख सकता हूं। कार्य का मैं क्या रख सकता हूं, मैं कार्य के स्थान पर क्या रखूंगा, मैं कार्य का रखूंगा जूल। और समय का क्या रखूंगा, सेकेंड, सेकेंड। तो देखिए, अगर मैं डायरेक्ट शक्ति का एक मात्रक निकालूं तो जूल प्रति सेकेंड, या तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, या मैं इसे जूल, अगर मैं कोमा लगाऊंगा तो सेकेंड ऊपर माइनस में चला जाएगा, सेकेंड माइनस वन। क्या मैं दोनों तरीके से लिख सकता हूं, क्या मैं इसे दोनों तरीके से भी लिख सकता हूं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वर्षा जी का पहली आंसर आया, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला देखिए, यहां से कुछ और फॉर्मूले जो आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, अभी तक कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है समतल कोण का, एक आप लोगों से पूछा जाता है समतल कोण का, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो व्युत्पन्न मात्रक होता है, या इसे हम बोलते हैं रेडियन, इसका क्या आएगा बाबू, रेडियन। और अगर इसे आपसे पूछ लिया जाए सिंबल, तो इसका सिंबल आ जाएगा आर ए डी। अगला मैं एक और बात करूं तो ये समतल कोण की बात है, अगले की मैं बात करूं तो जो घन कोण होता है आप लोगों का, जो आप लोग क्यूबिक वाला बनाते हो उसकी बात करें हम, तो उसका आ जाएगा स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। और जिसे आप क्या लिखोगे, ऐसा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं चलता हूं अगला क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन ये देखिए। देखिए ये चीजें मैं निकला क्यों रहा हूं, मैं चीजें इसलिए निकला रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अगला क्वेश्चन ये आने वाला है। ये बताइए, दाब का मात्रक है, बाबू मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूं दाब का मात्रक क्या है, अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूं प्रेशर का यूनिट वैल्यू क्या होती है। बता दीजिए जल्दी से, 44 का आंसर लिख दीजिए।
देखते हैं कितने कर पाते हैं, बताइए जल्दी से। देखते हैं कितने कर पाते हैं इसका आंसर। देखिए अभी मैंने आप लोगों को दाब का करवाया है, तो इसमें दाब का कोई सा भी नहीं आ रहा है, इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये देखिए अगर हम बात करें, मैंने आपको अभी प्रेशर का करवाया था, देखिए तो इसका जो राइट आंसर इसमें से कोई नहीं आएगा। वैसे अगर हम बात करें प्रेशर का जो वर्तमान में पिछले थे, वैसे तो आप लोगों को पता है पास्कल आएगा, क्या आएगा पास्कल आएगा। और यदि आप लोगों को पास्कल ना मिले ऑप्शन में तो आप लोग क्या टिक कर देना, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर टिक करके आ जाना, मीटर स्क्वायर टिक करके आ जाना। अगर ये दोनों भी नहीं मिले तब आप लोग क्या टिक करके आ जाना, किलोग्राम बल बटे में आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसके मुख्य रूप से तो आप लोगों को ये दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए, एक पास्कल और एक ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। किसकी बात चल रही है, एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात चल रही है। इसका उत्तर दीजिए, इसका उत्तर दीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात चल रही है, बताइए इसका आंसर। तो देखिए एटमॉस्फेयर प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर आएगा बार, क्या आएगा बाबू बार। कई बार हम लोगों से पूछ लेता है एक बार बराबर कितना होता है, एक बार बराबर कितना होता है, तो एक बार का मतलब होता है 10^5 पास्कल। ये देखिए ये जरूर याद रखिएगा, जितने भी मैं अलग से आप लोगों को चीजें बताता हूं, तो इसका राइट आंसर आएगा बार में मापा जाता है। अगला देखिए, अगला, एक किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है प्री का। एक किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, बताइए किसके बराबर है। अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, यदि मैं एक बार की बात करूं, अगर इसी एक बार को मैं लिखना चाहूं तो इसे क्या लिख सकता हूं, एक किलोग्राम मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसी को मैं, अब उसने हमसे यही पूछा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक बार के बराबर लिख सकता हूं। चाहे तो आप इसे पास्कल के बराबर निकाल लीजिए, चाहे इसे आप एक किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग के बराबर निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, बताइए कौन सी एक अदिश राशि है, कौन सी एक स्केलर है, कौन सी एक अदिश राशि है। देखिए वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता पड़ती है, सदिश राशियां कहलाती है, और वे राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम की आवश्यकता नहीं पड़ती अदिश राशियां कहलाती है। मैं लिख देता हूं कुछ अदिश और सदिश राशियों के नाम। अगर आप लोगों से क्या पूछ लेता, सदिश राशियां पूछ लेता, तो देखिए कुछ सदिश राशियां जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। जैसे बल, वेग, विस्थापन। बल हो जाएगा, वेग हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, त्वरण, संवेग, संवेग। ये जो जितनी भी मुख्य राशियां ये सदिश होती है। अब मैं कुछ अदिश राशियों की बात करता हूं, अदिश राशियां,
अदिश राशियों की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आयतन आ जाएगा, इसमें प्रेशर दाब आ जाएगा, इसमें चाल आ जाएगी, इसमें दूरी आ जाएगी। देखिए बल वेग त्वरण ये सदिश राशियां है, जबकि दाब, दाब कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्या समझ में आई यहां तक की चीजें सभी को? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन विद्युत वैभव के संदर्भ में। देखिए विद्युत वैभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहां एक सदिश राशि है, यहां एक अदिश राशि है, केवल एक, केवल दो, एक और दो। देखिए वैभव, विभव की बात कर रहा है, विद्युत विभव की बात कर रहा है। देखिए यहां पे दो कंफ्यूजन आते हैं हमें, अगर हम लोगों से पूछता विद्युत विभव, एक होता है विद्युत विभव और एक होता है यहां पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ये दोनों शब्द याद रखिए, अगर आप करंट को अनंत से लेकर आ रहे हो तो विद्युत विभव कहलाएगा, लेकिन जिस क्षेत्र में करंट है वो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो अगर विद्युत विभव की मैं बात करूं तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, कैसी राशि है? अदिश राशि। और विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। ये कैसी राशि है बाबू? सदिश राशि। तो विद्युत विभव अदिश राशि है, एक अदिश राशि ये। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा केवल एक, हमारा जो राइट आंसर केवल एक, क्योंकि दूसरा वाला तो कठिन आ सकते है। तो ये देखो ये कट गया, केवल दो ये कट गया, ये कट गया। इसमें जो हमारा राइट आंसर आएगा ओनली वन, केवल फर्स्ट। अगर आप लोगों से पूछ ले जाए विद्युत विभव का एसआई मात्रक, विद्युत विभव का एसआई मात्रक पूछ ले जाए तो याद रखिएगा जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? आप जब भी न्यूज में देखते हो, टीवी में देखते हो, क्या बोलते हो? एक बैरल तेल आ रहा है, एक बैरल, मतलब वहां पे तेल को लीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर इन सब में नहीं नापा जाता। जब भी दूसरे देशों से तेल मंगाया जाता है उसे किस में मापा जाता है? बैरल में। तो एक बैरल में कितना लीटर होता है? एक बैरल में कितना लीटर तेल होता है बताइए। देखिए मैं सारे की सारी बातें लिख देता हूं। यदि एक बैरल की बात करें, एक बैरल की बात करें तो अगर मैं लीटर की बात करूं तो 158.9 लीटर होता है, 158.9 लीटर होता है। अगर मैं इसी बैरल को, अगर मैं तेल लीटर में ना लूं और मैं घन मीटर में लूं तो ये आएगा 0.158987 घन मीटर में आएगा ये। अगर मैं इसी बैरल की बात करूं, इसी बैरल को अगर मैं यूएस के हिसाब से लूं तो ये 42 US गैलन हो जाएगा। अगर मैं इसी को, चलो इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, हमसे लीटर 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 131 काट दो, 179 काट दो, 201 काट दो, कितना राइट आंसर आएगा? तो देखिए एक बैरल लीटर तेल में 159 लीटर तेल होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लंबाई की न्यूनतम इकाई है बताइए। लंबाई की न्यूनतम इकाई माइक्रोन, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर, फर्मीमीटर। एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए इसका राइट आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी।
देखिए अभी मैं आप लोगों को पढ़ा कर गया था, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक माइक्रोन, अगर एक माइक्रोन हमसे पूछता तो एक माइक्रोन बराबर 10^6 मीटर होता है, 10^6 मीटर। अगर हमसे एक नैनोमीटर के बारे में पता होना चाहिए, नैनोमीटर, तो एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10^9 मीटर होता है। अगर हम एक एंगस्ट्रम की बात करें, एक एंगस्ट्रम की बात करें तो ये होता है 10^-10 मीटर होता है। अगर मैं एक फर्मी मीटर की बात करूं, अगर मैं एक फर्मी मीटर की बात करूं तो इसका मान होता है 10^-15 मीटर। अब बताइए इसमें से सबसे छोटी राशि क्या है, सबसे न्यूनतम इकाई क्या है, सबसे न्यूनतम इकाई क्या है। वर्षा जी माइक्रोन दे रही है, पारुल जी भी दे रही है। देखिए सुनिएगा, आप लोगों को मैथ्स में ये पढ़ाया जाता है, मैं इतना तो समझता हूं कि आप लोगों को इतना तो मैथ्स में पढ़ाया जाता होगा कि जो भी जितनी माइनस में होती है वो उतनी छोटी होती है। ये देखिए 10^-6 मीटर से छोटी क्या है, 10^-9 मीटर, 10^9 माइनस मीटर से ये छोटी है और ये सबसे छोटी, जो जितनी माइनस में होती है वो उतनी छोटी होती है। उम्मीद करता हूं इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये डी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा, तो फर्मी मीटर। अब जितनों के भी गलत आंसर आ रहे थे थोड़ा सा देखिए क्या सही है क्या गलत है। अगला देखिए, इसका आंसर दीजिए फटाफट, बताइए इसका राइट आंसर चिपकाइए। देखिए यदि मैं बात करूं क्यूशेक, तो ये क्यूशेक किसका होता है, ये भूकंप की तीव्रता का होता है। यदि मैं बाइट की बात करूं तो बाइट कंप्यूटर में होता है। यदि मैं रिएक्टर की बात करूं तो ये जो रिएक्टर किसका होता है, अच्छा देखिए ये क्यूशेक, अगर मैं बात करूं देखिए ये जो क्यूशेक होता है ये प्रवाह की दर, जो वाटर की दर होती है उसका होता है। अगर मैं बाइट की बात करूं तो ये होता है कंप्यूटर का, अगर मैं रिएक्टर की बात करूं तो ये भूकंप का होता है, और मैं बार की बात करूं तो ये होता है दाब का। तो पहला तीसरे पे आ रहा है चौथा, तो मेरा राइट आंसर बी आ जाएगा। क्या जाएगा मेरा राइट आंसर, बी। क्या समझ में आया सभी को, समझ में आया। बलराम जी बहुत बढ़िया, गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अभी मैं आप लोगों को पढ़ाया क्यूशेक में क्या मापा जाता है, बताइए क्यूशेक में क्या मापा जाता है, जल की शुद्धता, जल का बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो अभी मैंने बोला ये क्यूशेक में जल का प्रवाह, जल का प्रभाव मापा जाता है, क्या मापा जाता है, जल का प्रभाव। अगला देखिए, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ओजोन परत की मोटाई, बताइए ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है, नॉट, प्योज, डॉप्सन, मैक्सवेल। ये लगभग सभी के लिए सिंपल क्वेश्चन है। देखिए डॉप्सन, डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, सौर के मापने में। तो आप सभी को पता है किसकी मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में। यह उत्तरांचल, ये 2005 में क्वेश्चन है, कब का क्वेश्चन है देखिए, वेरी गुड, बी को लॉक कर दिया जाए, बलराम जी ने बोला था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया। देखिए अब एक नया चैप्टर, मापक एवं उनके पैमाने, ये एक नया चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है। पहले मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बता देता हूं, देखिए आज मैं सारे के सारे यंत्र बता देता हूं और कल मैं इसके क्वेश्चन अगली क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग, देखिए अगर हम बात करें
देखिएगा, अगर हमसे पूछा जाए अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर का यूज किस में किया जाता है, ऊंचाई मापक यंत्र है, और ये किसके ऊपर ऊंचाई मापता है कि वायुयान कितनी ऊपर है ना, तो ये विमानों में प्रयोग होता है। दूसरा अमीटर, ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए, अमीटर विद्युत धारा का मापक यंत्र है। बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो अमीटर है विद्युत धारा का मापक यंत्र है, जो करंट फ्लो होता है उसको मापता है। अगला देखिए, अगर मैं बात करूं एनीमोमीटर, किसकी बात करूं एनीमोमीटर, तो ये वायु वेग मापी है, ये वायु का वेग मापता है कि वायु का वेग कैसा है। अगर मैं बात करूं एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापक है, सौर विकिरण मापक है। कल ये सारे के सारे क्वेश्चन भी पूछूंगा, सौर विकिरण मापक है। इधर से चार ऑप्शन, फिर आप लोगों को देखते हैं कितने पढ़ पाते हो। एटमोमीटर, अगर मैं एटमोमीटर की बात करूं तो ये वाष्पीकरण मापक है, कितना वाष्पीकरण हो रहा है, कितना वाष्पीकरण हो रहा है। अगर मैं बात करूं ऑडियोमीटर की, तो ये ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप लोगों से पूछ रहा है ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, तो अब ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर में मापी जाती है। बेरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र, कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग। तो देखिए ये भी एटमॉस्फेयर प्रेशर मापता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर मापता है। बेरोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट, ये देखिए वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र, ये डबल स्टार लगाइए, वायुमंडलीय दाब मापी। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये निरंतर मापन करता रहता है और ये भी वही है, दोनों सेम ही है। अगले देखिए, अगर मैं बात करूं वोल्टमीटर की बात करूं, उसमें है यहां विद्युत चुंबकीय विकिरण सूचकांक यंत्र। दो क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, भारत के किसी भी एग्जाम में बैठे हो। अगर मैं बात करूं केलिपर्स, वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र, उसका डायमेंशन कितना है, उसका व्यास कितना है, वो किससे मापा जाता है, केलिपर, ये आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल छोटा सा रहता है ना। कैलोरीमीटर पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई उष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र, एक पदार्थ कितनी उष्मा ले रहा है, कितनी उष्मा छोड़ रहा है, बोले तो हीट की बात कर रहा है, उस हीट को मापता है ना, जैसे किसी में कितनी गर्मी है और किसी में कितना ठंडा है, वही बात चल रही है। कार्डियोग्राफ, अगर बात करूं कार्डियोग्राफ, देखिए हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र, बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दिल है कि मानता नहीं, ये जो दिल है ये बिल्कुल जिस दिन मान गया, जिस दिन रुक गया, उस दिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये देखिए अगला देखिए अगला कौन सा है, अगला जो यंत्र है कार्डियोग्राफ, देखिए फिर से आ गया, याद रखिए हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है, पूछा जाएगा। क्रोनोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट, क्रोनोमीटर कई बार पूछा जाता है, समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाभिकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। तो याद रखिए क्रोनोमीटर क्या है, तो एक प्रकार की घड़ी है जो कि नाभिकों द्वारा समुद्र में प्रयोग की जाती है। कैलोरीमीटर देखिए ये रंगों की तीव्रता इंटेंसिटी के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला है, तो रंगों की तीव्रता की बात चल रही है। अगला देखिए कैथेटोमीटर, तो देखिए ये ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल की बात कर चल रही है, दूरी ऊंचाई मापने वाला यंत्र, क्या है ये, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिंकी कुमारी जी, तो वेरी गुड इवनिंग रिंकी जी। देखिए कितनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी, क्लास जब खत्म होने वाले तब आप आधे लोग आते हैं, ये वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, सारी की सारी चीजें। देखिए फ्रेंड्स अच्छे से नोट्स भी बनाते रहिए सारी की सारी चीजों को। साइक्लोट्रॉन,
देखिए ये कई बार हमसे एग्जाम में पूछा जाता था, दसवीं के एग्जाम में खूब क्वेश्चन आता है कि साइक्लोटोन का यूज किसमें किया जाता है। तो देखिए एक प्रकार का कण त्वरक जो अवशेषित कणों की गति को बढ़ाने में, देखिए कणों की गति को बढ़ाने में, गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है साइक्लोटोन। केस्कोग्राफ, अगर बात करूं मैं केस्कोग्राफ की, पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण, पौधों की, देखिए पेड़ पौधों की वृद्धि किस प्रकार हो रही है उसकी वृद्धि को मापने वाला उपकरण क्रोस्कोमीटर। डिलेटोमीटर, डिलेटोमीटर की बात करें पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने वाला, किस व्यक्ति में कब कौन सा परिवर्तन हो रहा है उसको मापने वाला अंतर है ये। डीप सर्कल, डीप सर्कल की बात करें तो इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के, देखिए नति कोण, डीप एंगल का मान ज्ञात किया जाता। मुझे जल्दी से बताइए नति कोण कितना एंगल होता है, कितने डिग्री होता है, कमेंट्स में छाप दीजिए नति कोण। डायनेमो मोस्ट इंपोर्टेंट, डायनेमो मोस्ट इंपोर्टेंट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में, कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए डायनेमो फिर आ गया, ये देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण डायनेमोमीटर है ये, वो डायनेमो है और ये डायनेमोमीटर लग गया, मीटर लग गया। देखिए बल, बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण, बल या बल आघूर्ण या शक्ति को, पावर को मापने वाला। इलेक्ट्रो इन सीफेलोग्राफ, इलेक्ट्रो इन सीफेलोग्राफ, बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ईईजी, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा कई बार, ईईजी का फुल फॉर्म, तो इलेक्ट्रो इन सीफेलोग्राम, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों को मापने वाला। तो देखिए आपके मस्तिष्क में जो भी कंपन हो रहा है, मस्तिष्क में जो भी समस्या आ रही है उसको मापेगा ये आपकी। इलेक्ट्रोमीटर, देखिए इलेक्ट्रोमीटर ये अलग है, इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोस्कोप, ये डबल स्टार लगाइए, इलेक्ट्रोस्कोप डबल स्टार लगाइए, किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला, आखिर वहां पे कितना आवेश है उस आवेश का पता लगाता है। अगला देखिए, अगला देखिए इवेपोरीमीटर, किसकी बात चल रही है, इवेपोरीमीटर, तो वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर को मापने वाला उपकरण, इतना इंपोर्टेंट का नहीं है। एंडोस्कोप, एंडोस्कोप देखिए शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला, याद रखिए पूछा जा सकता है, ये जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारा शरीर है, शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र कौन सा आएगा बाबू, याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बलराम जी ने दिया है 90 डिग्री एंगल, बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद करता था कि आप लोगों को आंसर देना चाहिए था, लेकिन बलराम ने अकेले ने आंसर दिया है। देखिए फेदोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट, फेदोमीटर डबल स्टार लगाइए, सागर की गहराई मापने में, सागर की गहराई, ये जो गहराई है दिलों की गहराई, इस सागर की गहराई को मापने वाला यंत्र है फेदोमीटर, ये ना फेदोमीटर। फ्लक्समीटर, फ्लक्समीटर की बात करें हम तो ये चुंबकीय प्रवाह मैग्नेटिक फ्लक्स मापक यंत्र। गैल्वेनोमीटर लगाइए स्टार, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र, क्या ये विद्युत धारा का मापी यंत्र है। अगला देखिए, अगला देखिए ग्रेविमीटर, ये ग्रेविमीटर है गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र, ये त्वरण को मापता है ना। जायरोस्कोप, अगर आप लोगों से पूछा जाए जायरोस्कोप का यूज किसमें किया जाता है, तो याद रखिएगा बाबू जायरोस्कोप, ये जो एंगल की बात कर रहा है, कोणीय वेग मापक यंत्र। हाइड्रोमीटर डबल स्टार लगाइए इसे, हाइड्रोमीटर, इसके नाम में ही लिखा है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है जल। तो देखिए द्रवों जलों के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र, जल की बात करें हम या द्रव के घनत्व की बात करें। हाइग्रोमीटर, ये हाइड्रोमीटर है,
ये हाइग्रोमीटर है। देखिए वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र, केवल एडिट कर लीजिए इसको पता होना चाहिए। हाइड्रोफोन, ये देखिए हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन, तीनों बिल्कुल एक जैसे नाम आ गए। अंतर जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण, तो देखिए हाइड्रोफोन तो ध्वनि को रिकॉर्ड करता है। अब बोलते हैं जो भी ध्वनि रिकॉर्ड होती है इसी में होती है। हाइग्रोस्कोप, ये याद रखिएगा, ये देखिए हाइड्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता, जो नमी होती है वातावरण में, उसकी बात चल रही है यहां पर। अगला देखिए देखिए अगर हम बात करें हिप्सोमीटर की, किसकी बात करें, हिप्सोमीटर, तो दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करने वाला है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को जरूर बताता हूं। काइमोग्राम, अगर काइमोग्राम की बात करें तो ये शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक जो हमारी शारीरिक गतिविधियों की बात करें, इसमें हमारा रक्तचाप हुआ, मांसपेशियों का संकुचन आदि में परिवर्तन का ग्राफ, ग्राफ में लेखांकन करने वाला उपकरण। लेक्टोमीटर, बाबू याद रखिएगा लेक्टोमीटर मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो लेक्टोमीटर है मोस्ट इंपोर्टेंट है दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए। दूध, आप जो घर में दूध यूज करते हो उस दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए लेक्टोमीटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, लेक्टोमीटर का। तो देखिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी है, इसके देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चन भी है, ये भी आप लोग को आएंगे अगली क्लास में, सारे के सारे हम क्वेश्चन करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, आप लोगों को मजा आने वाला है ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स बताइए बेहतरीन तरीके से आप लोग जल्दी से जल्दी, क्लास कैसी लगी, क्या सारी की सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, बताइए जल्दी से जल्दी, जल्दी से बताइए, क्योंकि तुम जो कहोगे वही बात करेंगे, अगर तुम दिन को रात कहोगे तो हम भी रात कहेंगे, है ना। तो जैसा तुम कहोगे बाबू हम वैसा ही काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी जी, थैंक यू सर। बताइए जल्दी से जल्दी और इसके अलावा क्या किया जाए, इसके अलावा बताइए और भी क्या, कौन से क्लासेस लगाई जाए आप लोगों के लिए, कि बिल्कुल के सर ये क्लासेस और लगा दी जाए, ये क्वेश्चन और करा दिए जाए। बिल्कुल बिल्कुल सुपर डुपर सेशन सर जी, बिल्कुल वर्षा जी, बी को लॉक कर दिया जाए, ये क्या बता रहा है, अच्छा रेडियो सोनार, ये देखिए ये क्वेश्चन करवाना है अभी मुझे कल, ये सारे के सारे क्वेश्चन करवाना है आप लोगों को। तो बिल्कुल ये बलराम जी कल बिल्कुल हम अगली क्लास में इसको बी को भी लॉक कर देंगे, सी को भी लॉक कर देंगे, जो आप बोलोगे वो लॉक कर देंगे, है ना, क्योंकि बलराम जी बोल रहे हैं आज तो मजा आ गया। तो देखिए आप मेरी किसी भी क्लास को देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए क्लास जरूर अटेंड किया करें, और यकीनन आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ इतना नया सीखने को मिलेगा कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते, उससे एक गुना अधिक आप लोगों को क्लास में मिलता है। यादव जी, रिंकी कुमारी, हाय, अच्छा दीपक वर्मा जी बोल रहे हैं मैनेजमेंट, बिल्कुल दीपक जी ये भी आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, एग्जाम से पहले मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन भी आप लोगों के करवा दूंगा मैं, है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल आप लोग बिल्कुल बहुत दिक्कत नहीं, आप लोगों के मैनेजमेंट में लगभग 10 से 12 चैप्टर है, उन 10 से 12 चैप्टरों के मैं लगभग 300 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को यहीं पे करवा दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत कीजिए, अभी पूरा जनवरी है, पूरा फरवरी है ना, तो 25 नंबर वो भी कवर करवा दूंगा। लेकिन देखिए अब वो मैनेजमेंट वाले कुछ ही स्टूडेंट है, तो ये हमारे दूसरे स्टूडेंट है जो बुरा मत मानना, देखो सभी का देखना पड़ता है टीचर्स को। भूपेंद्र कोल जी कह रहे हैं हाय सर, तो देखिए सभी को हाय हेलो नमस्ते राधे राधे, देखिए लेकिन क्लास में टाइम पे आया करें सभी, क्लास निकल जाती है उसके बाद हाय सर करते हो आधे से ज्यादा, है ना, टाइम का विशेष ध्यान रखा करें। हमारी जो क्लास का टाइमिंग रहता है देखिए, ये देखिए 8:30 से 9:30 मेरी क्लास रहती है ना, और डेली क्लास रहती है, संडे को भी क्लास रहती है। देखिए आप लोग सोचिए कि हम आपके एग्जाम को कितना इंपोर्टेंस दे रहे हैं, आप लोग मक्कारी करते हो लेकिन टीचर मक्कारी नहीं करता, जितनी मेहनत टीचर करता है अगर उतनी मेहनत एक स्टूडेंट कर ले
तो कसम उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया वो एग्जाम में निकल जाएगा जिसके लिए तुम पढ़ाई कर रहे हो। सोनू जी बिल्कुल बिल्कुल, कंप्यूटर की भी क्लासेस लगेगी सारे के सारे। कंप्यूटर मुश्किल से 3 क्लास में पूरा का पूरा थोड़ी पढ़ा दूंगा, पूरा का पूरा आप लोगों को सारी की सारी चीजें और क्वेश्चन भी करवा देंगे, है ना, सब चीजें लगेगी। चलिए ठीक है ना, विशाल सर की क्लास होने वाली है, मिलते हैं कल फिर हमारे इसी टाइम में। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। वंदे मातरम, जय हिंद।